आज मैं आपके लिए खजूरी या टिकरी या शक्कर की टिकियां, कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी, जो किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। और हाँ, इसको बनाने के लिए ना तो मैंने चीनी का उपयोग किया है और न ही गुड़ का। फिर भी देखिए मैं कैसे इसे बनाती हूँ। तो चलिए मेरे किचन में। आइए दोस्तों, ग्लोरियस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बिहार की फेमस रेसिपी खजूरी, जिसे हम होली पे बनाते हैं, दिवाली पे बनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है इसे तो हम जरूर बनाते हैं, तो आज मैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आटा लिया है, 400 ग्राम मिल्क मेड और 50 ग्राम के करीब में ये नारियल पाउडर है, और 10 इलायची को मैंने कूट कर ले लिया है। अब एक बड़ा सा परात लेंगे, उसमें सबसे पहले मिल्क मेड डाल देंगे और उसके बाद नारियल पाउडर, साथ में इलायची कुटा हुआ भी डाल देंगे। और मोयन के लिए यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी घी का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे मोयन बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और अब मैंने आटे को डाल दिया है, अब इसको आराम से मिलाते हैं। धीरे धीरे हम मिला रहे हैं, देखिए इस तरह का टेक्सचर चाहिए। अभी हमें थोड़ा 1-2 बूंद पानी डालना पड़ेगा, अभी थोड़ा ये सूखा लग रहा है, तो यहाँ पे हाथों से स्प्रिंकल करके हम पानी डाल रहे हैं। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसे सिर्फ बाइंड करना है, मतलब तो गूंथना नहीं है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं तो उस तरह से नहीं गूंथना है, हमें इसे सिर्फ जोड़ना है। अभी थोड़ा सा और चाहिए मुझे, मतलब टोटल 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब हमने पानी का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए किस तरह का टेक्सचर चाहिए मैं आपको बताती हूँ। मुट्ठी से इसको दबा दबा कर इसको बाइंड कर रहे हैं, देखिए इस तरह से गोल गोल बॉल बन जाना चाहिए, इस तरह का टेक्सचर चाहिए। अब चलते हैं, हम इसे सांचा में सांचते हैं। तो एक छोटा सा बॉल बनाएंगे, हथेलियों से दबा दबा कर इसे गोल करेंगे, तो चिकना करना है हमें, इसको प्रेस कर कर के करना है, हल्के हाथों से नहीं होगा ये। फिर हम सांचा पे दबा देते हैं और हथेलियों से उसे दबा दबा कर पतला करेंगे, देखिए इस तरह से। अगर चारों तरफ से थोड़ा सा अगर क्रैक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इतना पतला चाहिए। और अब मैं दूसरा शेप बना रही हूँ, उसी तरह छोटे से लोई हाथों में दबा दबा कर गोल मैंने किया है, और इसे सांचे पे रख देंगे और इसे हथेली से दबा कर पतला करेंगे, और चारों तरफ से कोशिश करेंगे कि ये फटा ना रहे, लेकिन फटा रह भी जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इस तरह से, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा बॉल लिया, हाथों में दबा दबा कर गोल करके दोनों हथेलियों के बीच इसे हम दबाएंगे, जितना दबा सकते हैं, जितना इसे पतला कर सकते हैं, राउंड राउंड करते करते हुए हम इसे करेंगे, देखिए इस तरह का, और पतला करेंगे। और अब एक चाकू लेंगे, नाइफ लेंगे, और उसे इस तरह से डिज़ाइन दे देंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आपको डिज़ाइन नहीं देना है तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी बना सकते हैं आप, लेकिन डिज़ाइन देने में थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। हो गया ना, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरह से बना लीजिए। अब मैं एक शेप और आपको दिखाती हूँ, ये ओवल शेप है, देखा 4 तरह का बन गया ना। अब मैं सारे टिकियों को पहले बना लूँगी, मतलब सारे खजूरी को पहले सांचा में सांच लूँगी, तब जाकर मैं इसे फ्राई करूँगी। अब चलते हैं फ्राई करने। तो गैस को ऑन कर लिया है, एक मोटे तले का कढ़ाई में घी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। घी बिल्कुल हल्का गर्म है, यहाँ पे ज़्यादा गर्म मुझे नहीं करना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है इसे, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं तलेंगे क्योंकि इसे अंदर से पकाना भी है। अभी मैं 3 ही डालकर देख रही हूँ, चौथा मैंने नहीं डाला, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। देखिए ये तलना शुरू हो गया है और इसको लो फ्लेम पे ही तलेंगे, मतलब शुरू से अंत तक लो फ्लेम ही रखेंगे। अब मैं इसको पलट रही हूँ, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है। देखिए एक तरफ ये पक गया है, तो गोल्डन हो गया है, तब हम इसे पलटेंगे आराम आराम से। खजूरी को तलते समय ही परेशानी होती है,
इसमें अगर हम ज़्यादा मोयन डाल देते ना तो ये टूटने लगता, तो तेल में मतलब या घी में डालते ही ये टूटने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मोयन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, परफेक्ट मोयन डालना होता है। अब देखिए दोनों तरफ से ये गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और कहीं से टूटा भी नहीं है। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था हमें। और यहाँ पे हम गैस अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा घी तो गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे तलना है। देखिए इसका टेक्सचर देखिए, अब मैं फिर से डाल रही हूँ। आराम आराम से डालेंगे हम, तेल के छींटे हमारे ऊपर ना पड़े, मतलब घी के छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। अब मैं 5 डाल रही हूँ क्योंकि अब ये टूटा नहीं, तो समझिए ये परफेक्ट था। और यहाँ पे फ्लेम में आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम, और ये छोटा वाला बर्नर है, बड़े वाले बर्नर पर आप मत तलिएगा क्योंकि उस पर हाई फ्लेम हो जाएगा। एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। एक बैच को तलने में 6 से 7 मिनट लग जाता है, कभी कभी तो 8 मिनट भी लगेगा। तो घबराइएगा नहीं, फ्लेम को लो ही रखिएगा। अब इसे मैं दोबारा पलट रही हूँ, तो पलट पलट कर इसे गोल्डन करना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल सूखा हुआ मिलेगा आपको। तल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसने तेल ज़्यादा पी लिया है, नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल ड्राई निकलेगा। और ये चारों तरफ से आपको क्रैक दिख रहा होगा ना, इसका मतलब ये खास्ता भी बहुत है। इसी तरह सारे खजूरी को हम तल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब, देखिए खजूरी आपके लिए तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना है। पर हाँ, खजूरी को बनाने के लिए मैंने मिल्क मेड का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि मुझे चीनी या गुड़ को घोलने की जरूरत ना पड़े। केवल रेशियो का ध्यान देना है, मतलब 400 ग्राम मिल्क मेड में 500 ग्राम आटा डालेंगे। इससे मिठास भी बिल्कुल परफेक्ट होगा और खजूरी भी हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप भी होली पे इस तरह की खजूरी बनाइए, इसका टेस्ट बिल्कुल बिस्किट की तरह लगेगा। अब बिस्किट खाना भूल जाएंगे, और इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15-20 दिन तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा ताकि हवा ना लगे, हवा लगने पे इतना सॉफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। एक एक करके डालकर इसे बंद कर रख देंगे। अब मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगी आपको, देखिए कितना सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और बिल्कुल पका हुआ है, कहीं से ये कच्चा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।